HTT.26 में फिर स्वागत है साथियों। कहना तो कुछ बहुत है लेकिन नहीं कहेंगे। आप सब LT TGT इंग्लिश या इसी उपक्रम में और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो SSC GD या कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम्स हो। आज का जो कॉमन है टॉपिक मेरा एक कॉमन रहेगा, स्पेलिंग रूल्स। इसमें क्या है कि हम स्पेलिंग के रूल्स बताएंगे कि किस में कहाँ पर क्या करना है और किस टाइप से हम एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगा, खासकर जे TGT PGT और LT या कोई भी एग्ज़ाम, टैट सुपर टैट या कोई भी एग्ज़ाम बैंकिंग वगैरह का आता है, तो इनमें सब में एक पॉइंट कॉमन रहता है, भाई इंग्लिश तो पूछी जाती है। इंग्लिश की वजह से अब इसमें हम इसके इम्पोर्टेंट रूल्स जानेंगे। वीडियो के अंत में कुछ रूल्स ऐसे दिए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं, जो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम आपका ज़्यादा वेट इंतज़ार नहीं कराएंगे, बस स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑन स्पेलिंग्स, क्या है कि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो शो कर रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंड ऑफ कंसोनेंट इन जी एक्स यूजली ड्वल्ड व्हेन दे इज वन वोवेल लेटर्स बिफोर इट। अब क्या करना है कि इनमें हमें क्या करना है, जो शब्द दिए होते हैं यदि उनके अंत में ठीक वोवेल दिया होता है, यानी लास्ट का वर्ड दिया होता है वोवेल लेटर बिफोर इट, अगर कोई वर्ड दिया है उसके लास्ट में कंसोनेंट है, उससे पहले वोवेल है, समझ रहे हैं? ये कहने का मतलब है वन मिनट शादियों dispenses to अब हमें क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ स्टॉप दिया हुआ, स्टॉप प्लस, देखिए स्टॉप जो लिखा हुआ है STOP लास्ट का वोवेल कंसोनेंट है, कंसोनेंट से पहले वोवेल है, अगर उसमें हमें कुछ ऐड करना है, मान लीजिए हमें कुछ ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, स्टॉप हो तो उसमें अगर ED बढ़ाएंगे तो डबल का जो लास्ट का जो कंसोनेंट है वो डबल हो जाएगा, तो स्टॉप्ड हो जाएगा और स्टॉपिंग हो जाएगा। तो इस टाइप से हम न्यू वर्ड को भी बना सकते हैं, कैसे कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में कंसोनेंट दिया है, कंसोनेंट से पहले वोवेल दिया है, तो साथियों लास्ट का जो कंसोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा ED बढ़ाने में, अथवा यानी थर्ड फॉर्म करने में, अथवा फोर्थ फॉर्म यानी ING को ऐड करने में, उसमें जो लास्ट का है कंसोनेंट वो डबल हो जाएगा मेरा। जी आप बिल्कुल ध्यान रखें इस पर, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मेरा, हाँ जो दे रखे हैं इनको आप ध्यान रखें, इनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है
रिग्रेट, रिग्रेट लिखा हुआ है। अब ग्रेट से पहले टी से पहले ई बना हुआ है, अगर इसमें ई डी बढ़ाएंगे तो डबल टी हो जाएगा ना, तो ये मेरी मीनिंग इरर में आ जाता है। यही हमारे मिस स्पेल्ड पूछ लेते हैं, तो ये हमारे लिए रूल काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, फिर इसमें देख प्लेन लिखा है, पी एल ए एन प्लस ई डी, अब एन लिखा है, एन से पहले ए है, ए ई आई ओ यू कुछ भी अगर एन से पहले है तो उसमें एन जो है वो डबल हो जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, अब ये तो रहा इसको एक शब्द बनाने का नियम, फिर इसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं देखिए, अब इसमें सफ़र्ड, अब सफ़र्ड जो लिखा होता है वो ऑलरेडी सफ़र्ड सफ़र होता है, सफ़र एस यू डबल एफ ही बनती है ई आर डी, तो इसमें हम गलत तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वन मिनट साथियों, चलिए फ्लाई मोड कर देते हैं। अब क्या है द एंड ऑफ कंसोनेंट, तो ये हमारे समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है कि जो हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अब यहाँ पर हमारा ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पूछा, पहले से ही लगा होता है, जैसे सफ़र होता है, सफ़र एस यू डबल एफ बनता है ना, यू आई ए, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी पड़ती। अब कुछ वर्ड हैं यहाँ पर भैया, हमें ई डी आई डी एफ, इसमें टी टी लिखा हुआ ना, अब टी से पहले क्या है, यानी बेनिफिटेड लिखा हुआ, तो वी ई एन ई एफ आई लिखा हुआ, आई और टी। रूल मेरा कहता है कि अगर लास्ट का वर्ड कंसोनेंट है, कंसोनेंट से पहले वोवेल है, तो उसमें ई डी बढ़ाते समय डबल टी हो जाना चाहिए था, बट क्या है इसमें हमें इसमें क्या करना है कि वी ई एन ई एफ आई डबल टी आई एन जी, तो इसमें हम बदल देंगे। तो ये हमारे कन्फ्यूजन वाले हैं, तो इनको हमें लर्न करना पड़ेगा। अब नंबर बी, बी पॉइंट, यहाँ से बी में कह रहा है कि होल एडिंग एन एस्ट ई आर और ई एस टी। अब एक क्वेश्चन पहले अभी टीजीटी एग्जाम में आया था, उसमें ई डी और ई आर को बढ़ाने के लिए कुछ आया था, तो यहाँ पर देखेंगे कि ई आर और ई एस टी मेक इज कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आप क्या करने हैं कि इनमें कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें ई आर, कंपरेटिव के लिए ई आर और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी का यूज़ करना पड़ता है। जैसे देन हो गया तो देनर हो जाएगा और देनेस्ट हो जाएगा, तो देनर हो गया कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में देनेस्ट हो जाएगा, बिग होगा बिगर बिगेस्ट हो जाएगा, इस टाइप से हम देखेंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपरेटिव सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री पूछ लिया था, वर्ड आपको दे दिया जाता है उसकी डिग्री आपको पूछी जाती है, तो ये इस शब्द आपको विशेष ध्यान रखें। फैट है, फैटर है, फैटर और फैटरेस्ट, इनमें सामान्य से रूल है, ये तो आप वैसे ही पहचान सकते हैं कि ई आर लगा है तो कंपरेटिव और ई एस टी लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, और सुपरलेटिव डिग्री से एक और भी शब्द होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने दा का यूज होता है, दा का यूज़ होता है, और कंपरेटिव में दैन का यूज़ होता है, तो ये भी हम पहचान सकते हैं, वो अगर सेंटेंस पे पूछता है पहचानने के लिए तो हम कर सकते हैं। होल मेकिंग अ नाउन ऑफ वर्ब बाय एडिंग आर। अब कोई भी अगर नाउन दिया है तो उसमें ई आर जोड़ना है, ई आर ऐड करना है, ठीक है। अब होल मेकिंग अ नाउन वर्ब बाय एडिंग आर, तो इसमें आर को जोड़ना है, तो डबल वाला का जो डबल है, अब यहाँ पे देखिए एस डब्लू आई एम लिखा, एस आई एम, एस आई डबल एम ई आर, देख सी यू टी लिखा हुआ ना, इसमें आर हमें बढ़ाना है, तो ये हमें देखना है तो कट है तो कटर हो जाएगा, तो ई आर, ई आर बढ़ के कटर हो जाएगा, लेकिन एस डब्ल्यू आई एम स्विम और एस आई डबल एम ई आर स्विमर, तो इनके नाउन जो नाउन दिए हैं, नाउन से हमारी क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी, ई आर जोड़ने से हमारा वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो रन लिखा, आर यू एन लिखा, आर यू एन डबल एन ई आर हो गया, रनर हो गया,
तो लास्ट का वर्ड डबल होकर यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो स्विम वाला जे हमें विशेषकर ध्यान रखना है भैया, स्विम का जे हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा दिया हुआ है जे, क्योंकि इसमें डब्लू जो है वो हटा दिया गया है। डब्लू को ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये चीज़ हमारी ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर है होल एडिंग बाई इस मेक अ एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन। कोई भी होल एडिंग जब बाई होता है कि कोई भी बाई होती है, बाई से पहले मेक या एडजेक्टिव, उसमें बाई को जोड़ने से एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पर मड है, मूड है तो मूडी हो जाएगा, फन है तो फनी हो जाएगा, तो इस टाइप से इनको हम बदल लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ द स्ट्रेस, इफ़ द स्ट्रेस ऑन इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल स्टेज होता है, फर्स्ट सिलेबल स्टेज होता है इन द वर्ड एंडिंग टू एट आई एट इल इल ऑफ और आई पी। आप क्या करते हैं जो इफ द स्टेज ऑफ द फर्स्ट सिलेबल जो होता है स्टेज, स्टेज क्या होता है, देखिए एक होता है स्टेज, एक होता है अनस्टेज। स्टेज वो होता है जिसको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, अनस्टेज जिसको हम शॉर्ट टाइम में बोल देते हैं, ठीक है, जिसको खींच कर बोला जाए वो स्टेज इक्वल, ठीक है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, अब इक्वल लिखा हुआ, इक्वल में ईडी अगर बढ़ाएंगे, इक्वल ईडी कर देंगे या आईएनजी बढ़ाएंगे, तो ईडी अगर बढ़ाएंगे इक्वल ए वही ई क्यू यू ए डबल एल हो जाएगा, ईडी बढ़ जाएंगे या फिर आईएनजी को हम बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पे हमें देखना है लीप, ठीक है, एल ई वी ई एल लेवल लिखा हुआ, तो ईडी बढ़ाएंगे तो डबल एल हो जाएगा, जैसी बात है कि डबल एल हो जाएगा, उसके बाद आईएनजी बढ़ाएंगे तो भी हमारा लास्ट वोवेल से पहले कंसोनेंट से पहले वोवेल है, तो इसको हम इस रूल को ध्यान रखें, आईएनजी को बढ़ा लेंगे। सबसे ज़्यादा वर्शिप, तो वर्शिपर की वर्शिपर और वर्शिप्ड डब्ल्यू आर वर्शिप होता ना, तो वर्शिप्ड अगर लिखेंगे तो कभी कभी इसकी मीनिंग पूछ लेता है कि वर्शिप्ड की मीनिंग या वर्शिपिंग की मीनिंग क्या होगी, तो ये मीनिंग हमारी पूछ लेते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। स्लिप स्लिप्ड हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, इक्विप इक्विप्ड और इक्विपेटिंग हो जाएगा, हैंडीकैप तो हैंडीकैप्टेड और हैंडीकैप्टिंग, ठीक है। तो इसमें ये हम मीनिंग बहुत ध्यान रखेंगे, ईडी बढ़ने से क्या होता है, अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो उसमें ईडी अगर बढ़ा देते हैं तो किस टाइप का वर्ड, यानी लास्ट का जो कंसोनेंट है, कंसोनेंट के बाद ईडी बढ़ता है या आईएनजी बढ़ता है तो वो कंसोनेंट डबल हो जाता है। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल कहता है द इंड कंसोनेंट इज नॉट डबल। अब पी तक हमने पढ़ा था कि अंत का अगर कंसोनेंट है तो वो डबल हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि किन शब्दों के अंतर्गत नहीं होता है, किन में डबल नहीं होता है, किन किन में डबल नहीं होता है ये भी हमें देखना। व्हेन देयर इज डिप्थोंग बिफोर इट, ठीक है, अब आर ई डबल ठीक है। अब इसमें देखिए डबल लगा हुआ, डबल का मतलब है कि डबल वोवेल, कंसोनेंट से पहले डबल वोवेल आया हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसमें है कि जैसे आर ई ए पी लिखा हुआ, तो पी से पहले ए और ई कान वोवेल आया हुआ, पी है कंसोनेंट, तो ऐसी स्थिति में अगर डबल वोवेल आते हैं तो इनमें हम इसको डबल नहीं करेंगे, अगर सिंगल आता है तो हम डबल कर देंगे, ई डी या आई एन जी बढ़ाने में डबल कर देंगे, ठीक है। तो रैप लिखा हुआ तो रैप्ड हो जाए और रैपिंग हो जाएगा, हैप लिखा हुआ तो हैपी हैप्ड और हैपिंग, तो कभी कभी अगर मीनिंग मिस्टेक में हो जाता है तो उसमें डबल भी हम कर देते हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पर शब्द गलत हो जाएगा अगर इसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, डबल और सिंगल, सिंगल बॉबल और डबल बॉबल का हम विशेष कर ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे हम।
कूल लिखा है तो ईडी ईडी बढ़ाएंगे, ठीक है ईडी बढ़ा देंगे तो कूल, समझ रहे हैं, कूल डबल ओ यानी डबल बॉबल है, ठीक है। तो इसमें डबल बॉबल को लास्ट में इसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे हम, डबल नहीं कर सकते, केवल ईडी ईडी और आईएनजी को हम जोड़ लेंगे, सिंपली तौर पे हम जोड़ लेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर फिर होता है वी, व्हेन देयर इज सफिक्स विद कंसोनेंट। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स वो होते हैं जो जो वर्ड के पहले लगते हैं, सफिक्स वो प्रीफिक्स पहले लगते हैं, सफिक्स वो होते हैं जो बाद में लगते हैं। अब क्या होता है, देखिए अब कभी कभी ऐसा होता कभी कभी ऐसा होता है कि जिनमें हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। अब देखिए फुल लिखना होता है, वैसे एफ यू डबल एल, फुल की मीनिंग क्या होती है, एफ यू डबल एल, लेकिन जब किसी के साथ में जुड़ता है तो इसमें सिंगल एल बनता है, ठीक है। अब लिखा है एस आई एन, सिन प्लस फुल लिखा हुआ, सिन और फुल लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, सिन और फुल, फिर है वुमैन, वुमैन एम ए एन डब्ल्यू ओ एम ए एन, वुमैन प्लस हुड लिखा हुआ ना, तो वुमैन हुड हो जाएगा। सैडनेस, सैड और नेस हो जाएगा। तो ये इन वर्डों को हमें सफिक्स इनमें केवल ऐड करना है, सफिक्स को किस टाइप से ऐड करते हैं, किन वर्डों के साथ में ऐड करते हैं, ये हमारा विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। अब ऑन द स्टेज ऑफ सेकेंड सा लेवल, अब इसमें सेकेंड सा लेवल पे कार्य करता है, व्हेन द स्टेज इज ऑन द सेकेंड सा लेवल, सेकेंड सा लेवल की बात करता है यहाँ पर। अब क्या होता है, जैसे लिसन लिखा होता है, एल आई एस टी ई एन लिखा होता है, इसमें अगर ई डी हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल आई एस टी ई एन ई डी। अब ये सेकेंड सा लेवल पे कार्य करता है, सेकेंड सा लेवल पे कार्य करता है, ठीक है। लेस लिस लिसन सन ऑफर, ऑफर होगा तो सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे कि हम ई डी बढ़ा देंगे तो ऑफर्ड हो जाएगा और ऑफरिंग हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है कि ए एन एस डब्ल्यू ई आर ई डी, तो आंसर है तो आंसर्ड और आंसरिंग हो जाएगा। अब वैसे लिखा है कि मरमर और मरमर्ड, इसमें कुछ सिंपली कुछ हमें नहीं करना है, बस केवल ऐड कर देना। वर्ड्स एंडिंग इन वाई, अब ये रूल मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है कि वर्ड वाई एंडिंग, एंडिंग शब्द में अब हमें एंडिंग में वाई अगर लगा है तो उसकी जगह पे हम किस चीज़ का ट्रांसफर करेंगे। अब क्या लिखा है कि वर्ब एंडिंग इन वाई चेंज इनटू आई, तो अगर कोई वर्ड अगर लगा हुआ है, जैसे वर्ड हमारा लिखा हुआ आर ई एल वाई, ठीक है, लास्ट में वाई है, तो वाई में हम ई डी बढ़ाते समय या आई एन जी बढ़ाते समय वाई की जगह पर आई करेंगे, हम चेंज कर देंगे किसमें, वाई को काहे में कन्वर्ट कर देंगे आई, तो हमारा शब्द सही होगा, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे। रिलाइट और रिलाइंग, मैरी मैरिड एम ए डबल आर आई डी, क्योंकि बाई की जगह पर आई हो जाएगा और ई डी और आई एन जी हम जोड़ लेंगे, ठीक है। वर्ड एंडिंग बाई विद द बॉबल बिफोर इज डू नॉट चेंज, अगर कोई, अभी तक हमने पढ़ा था कि अंत में बाई होगी, बाई से बाई को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे, वट क्या है कि बाई से पहले अगर कंसोनेंट है यानी डबल यानी लास्ट में कंसोनेंट ही लगे हुए हैं बाई से पहले भी,
तब तो हम बदल लेंगे। अगर वॉवल लगा है तो फिर इसको हम नहीं बदलेंगे। अगर वाई लिखा है वाई से पहले वो, अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया कितना, अगर वाई से पहले कंसोनेंट लगा है तब तो वाई को आई में चेंज करेंगे, अदरवाइज अगर वॉवल लगा है तो वाई को आई में हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसी में सीधे ई एड ई डी और आई एन जी का प्रयोग करके अपना न्यू शब्द बना लेंगे। ठीक, जैसे इंजॉय लिखा है तो इंजॉयड हो गया और इंजॉइंग हो गया, सिंपली इसमें कोई भी हमें कन्फर्म करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक्सेप्शंस में विशेष ध्यान रखें, जैसे से लिखा होता एस ए वाई लिखा होता रूल के अनुसार वाई को तो नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन क्या है कि जे, अब जे हमारे इम्पॉर्टेंट है, इनको हम ध्यान में रखेंगे, जे टिक जो हम लगा रहे हैं इनको आप ध्यान में रहें बिल्कुल रखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि से है वन मिनट से लिखा हुआ तो से को सेट हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा। देखिए अगर इसमें हम मान लीजिए कि सेड लगाते हैं, से लगाते हैं, से का सेकंड सेड और सेइंग हो जाएगा। ठीक है, एस ए बाई पहले तो हम अगर ई बाई ई डी बढ़ा देंगे तो सेड का से का सेड हो जाएगा और सेइंग हो जाएगा। सेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाई को आई डी बढ़ा देंगे। ठीक है, बी ए बाई और इनमें हमें बदलना पड़ेगा, ई डी नहीं बढ़ा एस ए भैया ध्यान से देखें आप, एस ए बाई लिखा हुआ ना, एस ए बाई को एस ए आई डी करेंगे तो बाई की जगह पे तो आई हो गया, लेकिन भी ई डी नहीं बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने इसमें किया हो, बाई को आई में कराया और उसके बाद ई डी को बढ़ाया, तो ई यहाँ पर जो है हमारी गायब हो रही है, आप ध्यान रखिए गायब हो रही भाई उस, हाँ मिस हो रही भैया। चलिए नेक्स्ट पे, व्हेन सफिक्स आईएनजी इज एडिंग टू वर्ब एंडिंग ई आई देन चेंज वाई। अब क्या होता है कि अगर आई और ई, देखिए बहुत अच्छे अच्छे रूल्स निकल कर आ रहे हैं मेरे, अभी तो दो ही हुए हैं, अभी काफ़ी वर्क पड़ा है इसमें, देखिए कितने सारे रूल्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे भाई, धीरे धीरे होंगे ना। हाँ बिल्कुल, बस करते रहिए, कहाँ पे थे, हाँ रियली वाई ई, हाँ जीते अब लाई लिखा एल आई ई लिखा हुआ है, तो इसमें आई और ई, आई ई किस में बदलेगा, जब हम इसमें आई एन जी ऐड करेंगे तो आई ई जो है हमारा बाई में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा बाई में। नाउन एंड एडजेक्टिव इंडिंग बाई, नाउन या एडजेक्टिव में इंड में बाई हो विद अ वोवेल वोवेल बिफोर देम, ठीक, चेंज इनटू आई व्हेन सफिक्स ई आर ई एस टी एल ई फुलनेस आर एडिंग। अब हम क्या करेंगे कि अंत में बाई हो और बाईस एंडिंग ऑफ बाई विद अ वोवेल बिफोर ऑफ देम, उससे पहले बाई हो, बाई से पहले वोवेल हो, वोवेल बिफोर देम, ठीक, चेंज इनटू आई। अब आई को हम बाई में जब चेंज करेंगे, जब उससे पहले कोई हमारा वोवेल मिलता है, जैसे हैप्पी लिखा एच ए डबल पी वाई लिखा हुआ ना, तो हैप्पियर हो जाएगा, हैप्पियर और हैप्पली, तो एडजेक्टिव जो है हमारा नाउन एंड एडजेक्टिव में इनमें हम बदल दें, कैसे, जैसे हैप्पी है एच ए डबल पी आई है, बाई से पहले ए आया हुआ वोवेल आया हुआ ना, तो एच ए डबल पी तो है, बाई को आई में हम कन्वर्ट कर देंगे। एफ एल वाई लिखा है, फ्लाई लिखा है, तो एफ एल आई ई आर हो जाएगा, क्यों, आई बाई लिखा है बाई से पहले, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, टी डी लिखा हुआ, तो इस टाइप से हम वर्डों को बना लेंगे। जो रूल्स आप विशेष का नोट कर लें, को आप नोटबुक्स में आप नोट करते चलिए,
किसी कॉपी या पेन लेकर बैठें ताकि इम्पोर्टेंट रूल को नोट कर सकें दोबारा। तो वीडियो देखने में थोड़ा भले को आपको लग रहा है, या तो फिर आपको इसको पुश करके आप आराम से देख सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा आप देख सकते हैं। वन वर्ड एंडिंग टू एंडिंग इन आई आर कंपाउंडिंग विद डबल डबल एल। आप क्या करते हैं कि डबल जो होता है डबल डुअल वाला जो हम समाप्त कर सिंगल एल बनाएंगे, जैसे विल फुल लिखा है तो डब्लू आई डबल एल होता और एफ यू डबल एल होता, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आर कंपाउंड इज डबल, इनको डबल को हम जैसे दोनों में डबल होता है ना, तो दोनों को डबल को हम सिंगल कर देंगे, यानी डब्लू आई डबल एल होता है एफ यू डबल एल होता है, तो एक में हम दोनों को सिंगल कर बना लेंगे, एक में अगर शब्द में ऐड करना है तो। एक्सेप्शन में बेलीविंग्स को तो फेयरवेल, तो जी आप ध्यान रखें एक्सेप्शन ही ज़्यादा पूछा जाता है जी आप बेसिस कर ताकि यूज ऑफ वन मिनट रुको जे जो है अरे भाई कंटिन्यू पेज पे करो अब देखो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने जो फाइनली है फाइनल लिखा एल वाई लिखा है ना, तो इसमें डबल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए यूज ऑफ सफिक्स जे हमारा हो गया था, अब इसके बाद यूज सफिक्स एल वाई फाइनली एल वाई जब हम करेंगे ठीक है, एडजेक्टिव इंडिंग आई आर रिटन विद डबल वाला होगा विद इंडिंग सफिक्स एल वाई, एल वाई जोड़ने से पहले जो अगर फाइनल का वर्ड है वो एल सिंगल है वो डबल हो जाएगा भाई। इम्पोर्टेंट तो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम देख सकते हैं। चलिए मैं टिक, हाँ मैं टिक किए दे रहा हूँ, ऊपर नहीं किया ना, चलिए मैं लगा दूँगा टिक, मैं टिक मार दूँगा उस पर। चलिए ओके ओके चलिए भैया, तो चलिए हाँ फाइनली प्लस एल वाई अगर कर देंगे तो एल वाई अगर किसी में ऐड करना है तो उसमें डबल जो है डबल एल हो जाएगा, जैसे यूजफुल लिखा यूजफुल प्लस है प्लस बाय, तो यूजफुल में बाय से ही पहले एल लिखा हुआ, तो हम रियल में सिंपल सी बात है इसको डबल बाय एल बाय यानी डबल एल कर लेंगे ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि एडजेक्टिव इंडिंग इन एल ई इन एडिंग अ सफिक्स एल वाई, एल वाई जोड़ेंगे तो एल ई पहले से ही लगा होगा उसमें एल वाई हम जोड़ देंगे, तब क्या होगा कि हमारा जैसे सेंस बिल लिखा हुआ है तो एल वाई ठीक एल वाई हमें जोड़ना है, तो वी बी एल ई लिखा हुआ तो वी एल ई को जोड़कर केवल हम बाई में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है। एडजेक्टिव्स इंडिंग इन एल वाई, कोई भी एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसमें एल वाई एल ई लिखा हुआ आर रिटन विदाउट एल ई ठीक है, अब होल इंडिंग एड्स एल वाई, एल वाई हम जब जोड़ेंगे तो इसको हम विदाउट ई को लिखेंगे, क्योंकि ई जो है हमारे यहाँ पर मिस करेंगे, जैसे लिखा है फोर्सिबली लिखा है एफ ओ आर एस आई वी एल ई लिखा हुआ है एल वाई इसमें हमें जोड़ना है, तो फिर क्या हो जाएगा एफ ओ आर सी आई वी वी एल वाई हो जाएगा ठीक है। तो इसमें केवल एल ई को हटाकर हम केवल एल ई दोनों हट जाएंगे, एल ई दोनों को गायब करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर समझने की बात है, बस समझ लीजिए हो गया समझ में आ गया, देखिए सेंसिबल लिखा हुआ है ठीक है, तो यहाँ पर वी एल ई जो दोनों एल और ई दोनों को हम क्रॉस करेंगे
तब इसमें एल वाई को जोड़ेंगे तब हमारा सही रहेगा, तब क्वेश्चन तब हमारा आंसर सही हो पाएगा। जैसे लिखा है सबटल्स लिखा है तो ठीक है, एस यू वी टी एल ई लिखा हुआ प्लस एल वाई हमें जोड़ना है तो एल ई को हटा देंगे, एल वाई को हम ऐड कर देंगे। ओके फिर है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, यहाँ पर आदमी हम फंसते हैं बहुत बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और हम गलत कर देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं इंड इन वर्ड इंडिंग इन एंड रिटर्न एन देन नेसेस इन एड एडेड। अब की लिखा हुआ है ठीक है, एन लिखा हुआ तो एन को है एन में ही रिटर्न करेंगे प्लस ई डबल एस बोर्ड देंगे, एन ई डबल एस इसमें जोड़ देंगे, नेस जोड़ेंगे ना डबल कर एन ई एस तो पहले से ही है, अगर एन को हम हटाएंगे नहीं बल्कि इसमें सीधे सीधे नेस को जोड़ दें, जैसे लिखा हुआ क्लीन सी एल ई ए एन सी एल ई एन और उसके बाद नेस को जोड़ देंगे, सिंपली बात हो गया, समझ में आ गया होगा। द लेटर एस इज फॉलोड बाई लेटर्स आई। अब यहाँ पे क्या करना है कि लेटर सी ठीक है, सी जो है वो हमारा क्या करना है कि फॉलोइंग लेटर्स आई ई आई एंड अदर लेटर्स आई ई, इनमें हमें क्या करना है कि सी को सी के बाद में ध्यान रखना आई ई आई ई, डिसीव लिखा हुआ बिलीफ लिखा हुआ तो ठीक ई आई को आई ई में हम बदल देंगे, ई आई को आई ई में बदल देंगे, हाँ बिल्कुल कन्वर्ट उल्टा उल्टा कर देंगे, ई आई लिखा हुआ तो ई ई आई है आई ई कर देंगे, हाँ बिल्कुल जे देखिए जे यहाँ पर देखिए इसको इसको आप देख लीजिए, रिसीव है डिसीव है और डिसीव है सीलिंग है, तो इनके हम ध्यान रखेंगे, इनमें आई ई और ई आई को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो जे आप ध्यान रखें और जे आपको एक्सेप्शंस बिल्कुल ध्यान रखें, जे आप तो भूल ही नहीं सकते हैं, तो जे इनके अपवाद होते हैं, इनको तो हम विशेषकर ध्यान रखते हैं। वर्ड इंडिंग डबल एल, जिस किसी भी वर्ड के अंत में डबल एल हो विद अ सिंगल वर्ड व्हेन इन कंपाउंड विद फुल ऑल वेल इन एंड डिस, तो इसमें क्या करते हैं कि हमें हमें जैसे ऑल लिखा डबल एल लिखा ए डबल एल लिखा तो ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर लिखा है ठीक, ऑल टुगेदर लिखा तो टुगेदर ऑल में सिंग डबल है उसको सिंगल कर देंगे, उसके बाद हम वर्ड को जोड़ देंगे, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है तो सिंग एल को सिंगल करेंगे सीधे मोस्ट यानी एक एल को हम बड़ा हटा देंगे, उसके बाद वर्ड को हम जोड़ देंगे, बेल लिखा हुआ बेल कम लिखा हुआ तो ठीक डब्ल्यू ई एल प्लस कम लिखा होता तो दोनों को डब्ल्यू ई एल कर देंगे, एल में एक एल हट जाएगा, ऑलरेडी अन टिल तो अन टिल अन टिल अन टिल तो आल आल वेल टिल स्टिल और चाहे जे चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो दोनों ये दोनों के टाइप से कार्य कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए भैया, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम लाइव आके पढ़ाएं और लाइव के लिए एक कंडीशन है वो हमारी अभी पूरी नहीं हो पा रही, तो अगर नहीं करेंगे तो आप पीडीएफ ही पढ़ेंगे भाई, अगर सब्सक्राइबर जल्दी जिससे जल्द अगर नहीं पहुंचवाएंगे तो पीडीएफ से ही हम पढ़ाएंगे फिर और क्या, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं लाइव पीडीएफ करना चाहते हैं तो फिर कुछ आपको भी करना पड़ेगा। लाइव की बात ये होती
देखिए जब लाइव होता है ना तो वो अट्रैक्टिव होता है, उसमें हम अपनी बात को कुछ कह सकते हैं, आप भी अपनी बात को बीच में कुछ पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ, तो उसके लिए लाइव पे ही संभव है, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज़ आप हाँ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं, तो कम से कम कमेंट तो आप कमेंट करके ये तो बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो सही है। देखिए फीडबैक देने से ये होता है कि उसमें जो है उसमें व्यक्ति की कमियों को उजागर हो जाता है, कि हमारी कमियों को आप ज़रूर बताएं, हम ये नहीं कहते कि मेरी अच्छाई को बताएं, बस आप कमियों को कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे में क्या कमी रह गई ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। ठीक है, चलिए सिर्फ लिखा एल वाई लिखना है तो एल वाई सीधे हम एस ए एफ ई एल वाई सीधे सीधे हम जोड़ देंगे। जे एक्सेप्शन को आप ध्यान रखें, होल लिखा है डब्ल्यू एच ओ एल ई और उसमें हो जाएगा डब्ल्यू एच ओ डबल एल टिक एल ई एल ई एल ई, तो वैसे ही हट जाता है, केवल एल नहीं हटेगा, केवल ई हट जाएगा। होल को आप विशेष कर ध्यान रखें जी, मीनिंग की बिल्कुल रट लें जी, अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ ट्रू, केवल इसमें यू ई हटेगा। ठीक है, ई इज नॉट ड्रॉप्ड आफ्टर सी और जी, होल एडिंग सफिक्स एवल एस अन बिगनिंग विद बबल। आप क्या यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो डी है, ओहो माय गॉड, चलिए ये पॉइंट देख लेते हैं कि ई इज नॉट ड्रॉप्ड व्हेन सफर्ड। अब क्या इसमें ई को ड्राफ्ट नहीं कर, जैसे एच ए टी ई लिखा हुआ, हाइट लिखा हुआ प्लस फुल करना है, तो हाइट एच ए टी ई एफ यू एल फुल यूज, हैट फुल यूज प्लस लेस तो यूज, अब एच ए टी ई एफ यू एल करेंगे, पूरा पूरा हटा कर दें, केयरफुल तो सी ए आर ई एफ यू एल। ठीक है, सीधे सीधे हम जोड़ देंगे इसमें, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे केयरफुल लिखा है, इम्प्रूव प्लस मेंट अलग लिखा है, तो इम्प्रूवमेंट दूसरा वर्ड है, टिक लाइकनेस अलग है और स्टे लाइकनेस अलग है, एल आई के ई एन ई एन ई डबल एस आर्गू को ध्यान रखें, आर्गुमेंट हो जाता है ए आर जी यू ई, ए आर जी यू ई को यहाँ पर हट के मेंट को जोड़ देंगे हम। ठीक है, और कोई इसमें कुछ खास वर्ड नहीं दिए हुए हैं, इसमें लाइक है, लाइकेबल हो जाएगा, लाइक एल एल आई के ई एल आई के ई एबल हो जाएगा, सीधे सीधे हम ई को हटाकर, नहीं ई फाइनली ई इज फॉलोइंग वर्ड कैन बी रिटर्नड इनटू रिमूव, उसको रिटर्न और रिमूव कर देंगे, जैसे एम आई एल ई लिखा हुआ था एल आई एम ई, इसमें हमें जोड़ना क्या है ए जी ई लिखना, ए जी ई, तो इस टाइप से हम न्यू वर्ड बना लेंगे, जजमेंट है तो ऐसे वर्डों को हम बना लेंगे। अब हमें देखना है कि ए द साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड होल एडिटिंग, अब इसमें किसी में साइलेंट हमें करना है कि ए साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड, अब इतना हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थैंक यू, अभी मुझे कहीं भी जाना भी है, तो 10 पॉइंट नंबर 10 से आगे के लिए और नेक्स्ट वीडियो का में हम कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो कमियां हैं फीडबैक आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, जो कमियां हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं, अच्छाई को भले ही ना बताएं,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।